ये चीज बस वेरी गुड चले 7 बजे के बाद नहीं हो रहा हूँ रोज मेरे को कंकर में से चावल चुनने को दे रहती हैं अभी चावल बनाए के कंकर बनाए मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कलसुमड़ी इफ यू डोंट माइंड मैं ये सोच रही हूँ कि इस ईपी में मैं तेरे साथ लड़ाई नहीं करूंगी थैंक गॉड कम से कम आपको ये तो पता चला कि लड़ाई की असल वजह आप है क्या बोली लड़ाई मैं करती हूँ लड़ाई अभी तो आपने खुद बताई बात मैं तेरे को कह रही थी कि तेरे लड़ने पे भी मैं जवाब ही नहीं दूंगी यहाँ कहा आप कह रही है कि मैं लड़ाई करती हूँ मैं जाहिर है और कौन करता है सासू माँ मेरी जैसी अमन पसंद बहू ना आप अगर चराग लेके भी ढूंढने की ना तो नहीं मिलेगी आपको ए अमन के भागता तेरे लिए चराग ने बड़ा वाली सर्च लाइट होनी चाहिए सासू माँ मैंने आज फैसला किया आपको जो बोलना आप बोले मैं आपसे नहीं लड़ूंगी ठीक है ना पता तो चल गया ना कि लड़ाइयां तू करती है मैं बोलू या ना बोलू लेकिन ये सारी दुनिया को मालूम है कि लड़ाई की असल वजह आप है आप है आप है इतना ऊंचा बोलती मैं उड़ जाऊंगी कहीं जाके उड़ने लगी पेपर वेट कल देखिए पेपर वेट चल चल कर कर के रंग गोरे करती है ना सब पता है मेरे को दूध की भलाई किधर जाती है पी पी के और खा खा के मुंह पे लगाती है गोरी तो मैं ही रहूंगी और तो कोई हो भी नहीं सकता जलती रहे कुड़ती रहे जलती रहे कुड़ती रहे हट जाओ ये बोले सारी ये हट जा 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 ए विंजा बोला पहुंच गए ए कुलसुम ए बच्चा पार्टी ए मिंजा मोला आज इतनी खामोशी क्यों नजर आ रही मेरे को सब खैर तो है ए मिंजा मोला इतनी खामोशी वो भी हमारे घर में कमाल हो गया इस घर में खामोशी की वजह सिर्फ 3 हो सकती है मेरे भाई ने एक वजह हो सकती है कि घर पे कोई नहीं ने दूसरी जो वजह होगी ना वो भी होगी कि घर पे कोई नहीं है तीसरी वजह भी यही हो सकती है ने घर पे कोई ना हो ए घर पे कोई है कि नहीं है ये कुलसुम क्या है क्यों इतना शोर कर ले आप ए मिंजा बोला कुलसुम तू घर पे हाँ तू घर पे हो है फिर भी इतनी खामोशी है क्यों क्या प्रॉब्लम है आपको घर पे हो तो प्रॉब्लम है शोर हो तो प्रॉब्लम है खामोशी हो तो प्रॉब्लम है ए मिंजा बोला इतनी खामोशी है तो क्यों ना इस खामोशी का थोड़ा सा फायदा भी उठाया जाए कैसा फायदा बताओ मैं तेरे को बताओ ये पान लाया हूँ दोनों मेरी लिए एक खबर ना रहे एक मेरा है ने एक तेरा है माँ घर पे मौजूद है हाँ माँ के और तेरे घर में होते हुए इतनी खामोशी कैसे है भाई आज मेरा लड़ाई करने का मूड नहीं है तो फिर किस चीज का मूड है वो बता दे अपन वो कर लेते हैं पक्का 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 बिल्कुल पक्का ठीक है जल्दी से बंद हो जाए और मेरे लिए डबल प्लेट फ्राई नली निहारी लेकर आए और कम से कम ना 6 रोग ना मेरे को बहुत भूख लग रही है जाको ए भाई भूख तेरे को लग रही है मेरा मूड क्यों खराब कर रही है मैं तो सिर्फ अपना मूड बता रही थी तेरा मूड का सुन के मेरा मूड खराब हो रहा है ये आपका मूड खराब होने से पहले मेरा दिमाग ना खराब हो जाए ए जब तेरा दिमाग खराब हो रहा है तो मेरा खर्चा क्यों करा रही है तू जाकू इससे पहले कि मेरा हिसाब किताब इधर उधर हो जाए और मेरा हाथ आपका खाना खराब कर दे आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाए जाता हूँ भाई जाता हूँ इतना गुस्सा क्यों कर रही है तू अभी तो मैंने गुस्सा शुरू भी नहीं किया है करना शुक्र है अभी शुरू नहीं किया अगर हो जाता तो तू मेरी रिहाई बना के खा लेती लेके आता हूँ भाई पान बाद में खाना तू भैया कौन कमीना घंटी बजा के भाग गया सकरे भाई इधर
ए शकील भाई, कमीना तो सही बोला मैंने। ए शकील भाई, सलामकुम। वालेकुम सलाम जकरिया भाई। ए भाई, ये क्या जुगाड़ लगाते हो यार, इतनी घंटी बजा के इतना दूर क्यों खड़े हो गए? भाई वहाँ धूप बहुत थी और मुझे पता था आप अंदर तो बुलाते नहीं। हाँ, आप लाए हो बिस्किट चाय निम्को कुछ? नहीं, कभी चाय पीने का मूड नहीं भी होता तो फिर अंदर बुलाने का मूड भी कभी नहीं भी होता यार। आप भी अच्छा, मेरे को बताओ क्या काम क्या आपको? ओ हाँ, कल पूरा दिन आपकी बसंती चाहिए। कल पूरे दिन के लिए बसंती चाहिए? ए मिंजा मोला, शकील भाई आपको तो पता है मेरे को अपनी बसंती से कितना प्यार है। वो तो है। आपको ये भी पता है कि मैं वेस्पा को किराए पे चलाने का व्यापार भी नहीं करता। नहीं, मैं किराए पे ले भी नहीं रहा। आपको ये भी मालूम है ना कि मेरा अभी फिलहाल बसंती को बेचने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, मैं खरीद भी नहीं रहा। ए भाई, ना आप बसंती खरीद रहे हो ना उसको किराए पे ले रहे हो, तो मैं आपको अपनी बसंती क्यों दूं? यार दोस्ती भी तो कोई चीज है जकरिया भाई। हाँ यार, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की, आप मेरे पक्के दोस्त हो, तो दोस्ती में मैं आपको ऐसा करता हूँ कि सिर्फ 1000 रुपए में मैं आपको पूरा दिन के लिए बसंती दे सकता हूँ। 1000 रुपए बराबर? वैसे तो मैं बसंती को किसी को हाथ भी लगाने देता, मगर आपसे सिर्फ 1000 रुपए लूंगा। हाथ लगाने के? ए नहीं भाई, पूरा दिन चलाने के। तो बीवी की फरमाइश भी है और फिर आप मेरे दोस्त भी हैं, तो 1000 की जगह 2000 रखे। ए मिंजा बोला, वाह वाह, 2000 प्रॉफिट में मजीद प्रॉफिट हो गया। वेरी गुड, थैंक यू। आई थिंक वैसे एक बात थी अपना शकील भाई, कल है ना मैंने पूरे 100 रुपए का पेट्रोल भी डलवाया था उसमें। ये रखे 100 रुपए भी। 100 रुपए भी आ गया, वाह, मजा आ गया। ठीक है जकरिया भाई, मैं अभी लेके आता हूँ बसंती, आप ले लीजिएगा। ये हो जा बसंती, पार्टी देख लेगी। छोड़, खुद ही कराएगा स्टार्ट जो ले रहा है भाई। कैसा? बस क्लास। शकील भाई एकदम, वो कहते ना बगैर आवाज के हवाई जहाज। ये है मेरी बसंती, ठीक है? ठीक है, आप ले जाओ उसको। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं भाई, कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मशीन है अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है? तो इसका जो भी टूटेगा फूटेगा वो सब आपको बना के देना। जी जी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा भाई, आप ध्यान से चलाना शकील भाई, हमारी दुआएं हैं, ठीक है? शाबाश, किक मार जोर से। शाबाश, वेरी गुड। जान तो लगा। ए शकील भाई, आप तो जान भी लगा रहे। स्टार्ट नहीं हो रही? नहीं नहीं, हो जाएगी। ऐसे रेसिंग नहीं दो। ओके शकील भाई, ख्याल रखना अपना। ओके, अल्लाह हाफिज। खुद ही स्टार्ट कर दे। हैं? आप स्टार्ट करके। आई एम सॉरी भाई, आपने बसंती मांगी थी वो मैंने आपको दे दी, अभी स्टार्ट हो गए ना हो रहे इसमें मेरा मसला नहीं है। ओके, फायदा क्या होगा इसका अगर स्टार्ट नहीं हुई तो? जकरिया भाई स्टार्ट नहीं हो रही, पैसे वापस करें यार। हैं, क्या बोला? स्टार्ट नहीं हो रही तो पैसे वापस करें। अरे यार, मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ लेकिन इसको स्टार्ट करने के पैसे अलग होंगे भाई। मजदूर की फीस तो दोगे ना आप? सारे दे तो दिए आपको मैंने। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इससे पहले कि मसला हो जावे। चाबी चलाओगे तो होगी ना भाई? आ जाओ, मैं आपको आगे तक छोड़ आता हूँ। अरे यार, ये क्या कर रहे हैं आप यार? आ जाओ भाई। ए विंजा मोला, ये तो बंद हो गई। आ जाओ, कम ऑन चले। छोना मेरा छोना, मैं आपसे नाराज हूँ। हे, मगर क्यों? आपने मेरी जितनी बड़ी बात छुपाई। ये मिजा, इसको शकील वाले 2000 का कैसे मालूम पड़ गया? कौन सी बात छुपाई? ये तो शुक्र करे गुड़िया ने मेरे को ये बात बता दी, नहीं तो मेरे को तो पता ही नहीं चलता। गुड़िया ने भी 2000 देख लिए? ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद आपको बताने वाला था। अरे छोड़ो, ये बताए ये वाला पहनू कि ये वाला पहनू? मैं सोचू ना लाल वाला पहनू, नहीं ब्लू वाला पहनू। अभी इसकी कमी के इसकी सलवार पहनू ना इसकी सलवार के इसके साथ जो मैं इयररिंग। ये निंजा मुल्ला, इसने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। ए बस सही है। मेरे ख्याल से आप ये लाल वाला पहन लेना, इसके साथ सैंडल भी पहन लेना, बिल्कुल हेमा मालिनी लगोगी। पक्का बिल्कुल पक्का, आपकी जान की कसम। अब वो वाली बात तो बताओ जो मैंने आपको बतानी थी। हाँ,
कल वैलेंटाइन डे और आपने मेरे से ये बात छुपाई। अच्छा वो तो मैं आपको सर का प्राइज देने वाला था ना। ठीक है, कल आप भी लाल शर्ट पहनेंगे। मैं भी लाल शर्ट क्यों पहनू? मैं क्या हिमा मालिनी हूँ? मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ओके भाई ओके, ऐसा गुस्सा तो मत करो। अच्छा मेरे को छोड़ना, ये बताओ कि अपन वैलेंटाइन वाले दिन करेंगे क्या? वही जो सब करते हैं। हम केक काटेंगे, फिर एक दूसरे को लाल रंग का गुलाब देंगे और उसके बाद मीठा मीठा पान खाएंगे। ओके, पहले आपको केक भी खिलाएंगे, ने गुलाब भी देंगे, मीठा पान भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर आप मेरा इतना अच्छा काम करोगी क्या? इन सारी चीजों के पेमेंट जो ना वो एडवांस में कैश मेरे को दे दो। कितनी अच्छी बात की। जाको मेरे को बताए, आपके कल वैलेंटाइन का जो दिन है वो आप अस्पताल में तो मनाना नहीं चाहते है ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखो मेरे और आपके ख्याल कितने मिलते। ये पकड़ो और इस्त्री करके लेकर आओ। ये वैलेंटाइन का मतलब ये तो नहीं कि सोर स्त्री करे। ए मिंजा बोला, अंग्रेजों तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। कामों का पता नहीं कौन कौन से दिन निकाल लेते हमारे खर्चे के लिए। ए मिंजा मोला, तंगड़ियों ने तो जवाब दे ही दिया है, क्या करूं। हेलो माँ। ए जाकू किधर भाग रहे ले? तेरे पप्पा के बसंती नजर नहीं आ रही मेरे को? वो बसंती पप्पा की नहीं है, मेरी है, मेरी। ए मनु, तेरे पप्पा ने रोकरा खर्च किया है इधर। हाँ तो समझ लो उसी रोकरे की रिकवरी के लिए दिए। बेच दी तूने? ए माँ बेची नहीं है, सिर्फ भाड़े पे दिए एक दिन के लिए। अच्छा कितना किराया होगा? किराया पूरे 2000 रूपए। 2000 रूपए इधर कर, रोकरा ढीला कर। गायको आज तू बसंती किराए पे दे रहे ला, इतनी नखरे करे ला। कल तू मकान किराए पे देगा तो अपन को किराया नहीं देगा। ए माँ तू कैसी बातें कर रही है, क्या हो गया अचानक? मेरा ख्याल है मेरे को वकील करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। अच्छा माँ अच्छा। हाँ। यानी छोकरे को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है? हाँ। और वकील के लिए नावे खर्च करोगी आप? वाह भाई वाह। हाँ। वकीलों से क्या लड़ेंगे, अपने पेट लड़ रहे ले आपस में, मैं क्या करूँ? हाँ वकील करूंगी तो प्रॉफिट में लॉस हो जाएगा, वो जैसे पैसा लेगा। कोई और तरकीब सोचती हूँ मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मर्द का बच्चा है तो सामने आ जा। ए भाई तेरे को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? ए तेरे को जब पता है कि इस घर से पैसे नहीं मिलते तो एक एपिसोड छोड़ के दूसरे में क्यों आता है? गरीब की दिहाड़ी लग रही है उस पर भी तेरे को तकलीफ है? ए गरीब की दिहाड़ी में खर्चा मेरा होता है समझा? इतना हट्टा कट्टा हो गया, कमीना तू खुद नहीं कमा सकता। तू इतना मालदार होकर कभी कुछ नहीं देता, तेरे को शर्म नहीं आती? ये पैसे बचाऊंगा तो उड़ाऊंगा ना साहब, इस बार तो कुछ दे दे। अच्छा इतनी तू मिन्नतें कराए तो तेरे को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये ले ये ले ये ले ये ले। साहब ये तो मैंने ले लिया, वाकई में जरूरतमंद हूँ, कुछ तो दे दे साहब। ए भाई तेरे से ज्यादा जरूरतमंद मैं हूँ यार, देखो पता है कल वैलेंटाइन डे है। साहब उसी की तैयारी के लिए तो मांगता फिर रहा हूँ, कसम से बहुत महंगा ही हो गई साहब। ए मिंजा मौला तू फकीरों के वैलेंटाइन डे मनाएगा? क्यों भाई तू मना सकता है, मैं नहीं मना सकता। मैं सिर्फ एक शर्त पे तेरे को पैसे दूंगा। हुकुम करे सरकार। मेरे को ऐसा कर तो सस्ते में बल्कि बिल्कुल फोकट में फ्री में ना गुलाब के फूल लेने का जुगाड़ तो बता। ए मिंजा मोला क्या बात कर दी तूने, पूरा कान गीला कर दिया मेरा। सही है डन है, ऐसी बात तूने कर दी, तेरे को पूरे 5 रुपए मैं दूंगा। नहीं साहब मैं इस बार 50 रुपए ले जाऊंगा पूरे। ये तरकीब बताकर कम से कम मैंने आपके 500 रुपए बचाए। बरोबर बरोबर, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि मैं जकरिया सुलेमान बकलम खुद किसी फकीर को पूरे 50 रुपल्ली दे रहा हूँ। ये ले भाई ये ले, पूरे 50 रुपए ले ले। मौला खुश रखे साहब आपको, मेरे लिए भी दुआ करना, मैंने गुलाब के फूलों की एडवांस बुकिंग करवाई, वो टाइम पर मिल जाए बस। ए मिंजा मोला इतना खर्चा कर दिया तूने? साहब इसलिए कि हम फकीर लोग हैं, आपकी तरह सेठ नहीं। ए फकीर भाई इस धंधे में इतना पैसा बच जाता है, कभी हमको भी ले चलो, हम भी कुछ पैसे बचा लेंगे। कोई फायदा नहीं क्योंकि आपने फिर भी फकीर के फकीर ही रहना है। इसे ले जाओ। ए मिंजा मोला बहुत कमीना है लेकिन बात बिल्कुल सही कर गया, मेरे को गुलाब के फूल मिल जाएंगे, चलो फायदा हो गया फायदा हो गया। ए मिंजा मोला मेरा छोकरा माँ से फ्रॉड लगा के भाईरी को नए नए कपड़े लेके दे रहे ला। ए सासू माँ क्या हो गया, ये दोनों सूट पुराने हैं। ए कुलसुम तू नए भी पहने ना, पुराने अच्छे लगते हैं। सासू माँ मैं बहुत खुश हूँ,
प्लीज मेरी खुशी को खराब मत कीजिए। खुश कैसे नहीं होगी, जक्कू ने रोकड़ा दिया ना, रोकड़ा। रोकड़ा कैसा रोकड़ा? वही किराया जो जक्कू ने अपने पप्पा की बसंती को किराए पे लगाया, उसका जो किराया है वही 2,000 रुपए। पूरे 2,000 रुपए? ये जकरिया 2,000 अपने खेसे में रख के घूम रहे हैं और मेरे को बताया भी नहीं है। इतनी एक्टिंग करे लिए जैसे मालूम ही नहीं है। सासू माँ, अगर मेरे को पता होता ना तो वो पैसे मेरे खीसे में होते, जक्कू के नहीं। काहे को तेरी जेब में क्यों होता? वो मेरे सुलेमान के बसंती की कमाई है। नहीं, उस बसंती में पेट्रोल ना हम डलवाते, नहीं मरम्मत भी हम कराते, तभी चलती है आपकी बसंती। वैसे तो उसके इस्तेमाल के भी पैसे मेरे को अलहदे से मिलने चाहिए। भले वो मैंने माफ किया, पर मैं 2,000 नहीं छोड़ूंगी। जो पैसे आपकी है ही नहीं, उसके लिए माफी क्यों? ए भाईरी, सुलेमान मेरा शोर था चरी, उसकी कमाई पे मेरे हक है। हे हे, हक है सुलेमान के पैसों पे आपका हक है, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास जो पैसे है उस पे किसका हक है? कुलसुम का। मैं उसकी बड़ी हूँ। एक और सुमड़ी, कान खोल के सुन ले, ये 2,000 में तेरे खीसे में नहीं आने दूंगी। सारा पैसा खा के मैं किधर से कारोबार करूंगी? और ये 2,000 रुपए मेरे नहीं हुए ना, तो मैं भी किसी के नहीं होने दूंगी। जानू, ए कुलसुम, छोना। ए छोना, ए माशाल्लाह, अभी वैलेंटाइन डे आया नहीं और तेरे चेहरे पे नूर कितना प्यारा प्यारा आ गया है। अभी आपके लिए ना मैंने कल फूलों के लिए एक बेहतरीन जुगाड़ कर ली है। अच्छा, सच्ची? सच्ची। तो फिर इस खुशी में मेरे को 2,000 रुपए दे जल्दी से। 2,000 पूरे? क्या हो गया तेरे को? क्योंकि जक्कू आपको वैलेंटाइन की खुशी में गिफ्ट तो दूंगी ना। थैंक यू वेरी मच, मेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही गुजारा कर लूंगा। ओके, नहीं दीदी, मैंने मान लिया बात, अब आप मेरी बात मान ले। ये जो तेरी बात है, ये खर्चे वाली बात तो नहीं है? नहीं। पक्का? पक्का पक्का पक्का। फिर ठीक है, भले कर, बोल। मैं कह रही थी ना कि कल अपन दोनों ना लाल जोड़े पहन के, नी लाल लाल बसंती में बैठ के घूमने जाएं। वो बसंती तो जो है ना, वो तो शकील भाई के पास है ना। ठीक है, प्रोग्राम कैंसिल। फिर जब बसंती आएगी तब देख लेंगे। बसंती तो अब कल के बाद आएगी, और कल गुजर गया तो फिर मजा क्या आएगा? तो ये बात आपको सोचनी चाहिए थी ना। मैंने तो सोच लिया, मगर कल के प्रोग्राम के चक्कर में मैंने पूरे 50 रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए भाई। ठीक है, अब आप या तो खर्चा बचा ले या तो फिर मोहब्बत, फैसला आपके हाथ में। मंजा मोला, कुलसुम। ए भाई, क्या हो गया? मेरा दरवाजा तोड़ेगी क्या? फैसला तो सिर्फ शकील भाई के हाथ में। ए मिंजा मोला, मेरे को बच्चा दे ना। शकील भाई, माय बेस्ट बडी, आई एम कमिंग। ए किधर गया मेरा दोस्त? फेवरेट में नंबर डाला मैंने इसका। हेलो हेलो शकील। हाँ जकरिया बोल रहा हूँ भाई। जी जकरिया भाई, आपकी बसंती बिल्कुल खैरियत से। शकील भाई, लेकिन मैं बिल्कुल भी खैरियत से नहीं हूँ। वेस्पा से इतनी भी क्या मोहब्बत जकरिया भाई? ए शकील, मेरे को बसंती वापस चाहिए। ऐसे कैसे भाई, मैंने अगली से जबान कर ली। ए भाई, तेरे को अपनी छोटी सी जबान की फिक्र पड़ी है, इधर मेरे को अपनी जान की फिक्र है। तो जान को समझाइए ना, कि आपने स्पेशल दिन के हिसाब से स्पेशल रेट वसूल किए। ए भाई, तू अपने पैसे वापस ले ले। भले, पैसों का कोई मसला नहीं है जकरिया भाई। हे शकील, तू पैसे भी नहीं लेगा और बसंती वापस भी कर देगा? तू वाकई मेरा सच्चा पक्का दोस्त है यार, मैं तो ऐसे तेरे को गलत समझ रहा था। नहीं नहीं, आप गलत नहीं, बिल्कुल ठीक समझे। अगर आपको बसंती वापस चाहिए ना, तो सिर्फ 5,000 खर्चने पड़ेंगे। ए मिंजा मोला, क्या बसंती से एक्सीडेंट कर दिया किसी का? ये 5,000 में डेंटिंग पेंटिंग के लिए नहीं, वायदे की खिलाफ वर्जी पर डिमांड कर रहा हूँ। क्या कह रहा है तू शकील? जकरिया भाई, दोस्ती अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, ये बात मैंने आपसे ही सीखी है। ए नन्ने काके, मेरे से कोई गलत बात ही सीखनी थी, कोई अच्छी बात नहीं सीख सकता था तू? हेलो 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 भाई साहब, कौन? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, कैसा कमीना है मेरा दोस्त शकील, मुझे कोई और जुगाड़ ढूंढनी पड़ेगी। जकरिया कुसुम की लव स्टोरी।
कुलसुम मेरा छोना, ए जानू जानू उठो ना, क्या है थोड़ी देर और सोने दो। ए जानू आज इतना कीमती दिन है ने तू सो रही है। ए जानू उठ जा, आज वैलेंटाइन डे शुरू हो गया। ओह माय गॉड, हैप्पी वैलेंटाइन डे जानू। सेम यू। थैंक्स। आना अपन सेलिब्रेट करें थोड़ा सा। ऐसे कैसे? एक मिनट एक मिनट, आपका मैं फूलों से स्वागत करूंगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। जक्कू ये अगरबत्ती की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये इन पत्तियों में से आ रही है ना। गुलाब की पत्तियों में से अगरबत्ती की खुशबू? हाँ वो बात आ रही है जानू के ना, गुलाब की पत्तियाँ ना वैलेंटाइन डे की वजह से बहुत महंगी हो गई थी मार्केट में। फिर मैं मजार में गया ने वहाँ से ये पत्तियाँ भी उठा ली और दुआ भी कर ली। कैसा? वेरी गुड वेरी गुड। सस्ता पड़ा होगा ना? बहुत बहुत सस्ता। और बसंती का क्या बना? बसंती की जुगाड़ भी हो जाएगी। पहले आप लाल लाल वाला जोड़ा तो पहन लो, एकदम दुल्हन की तरह तैयार तो हो जाओ। मैं अभी पहन के आती हूँ जानू, जल्दी तड़प रहा हूँ। शकील कमीने, अगर तूने मेरे को मेरी बसंती नहीं दी ना तो आज का मेरा दिन बर्बाद हो जाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगा। ए बच्चों, कमरे में आके पत्तियां समेटो, हो सकता है वापस हो जाए। तेरा है या चांद तेरा, दुब तेरा है या चांद तेरा, ऐसा तेरा है। ए सुलेमान, तू सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या करेला? ए जुबी, आज मैं पूरा दिन बहुत बिजी होऊंगा, जरा थोड़ा टाइम मिला मेरे को तो मैंने सोचा कल तेरे पास भी हाजिरी लगा लाऊं। ए हाजिरी तो होगी, अब मेरे को सोने दे प्लीज, चला जा तू। ए जुबी, ए उठने, आज तो मोहब्बत करने वालों का दिन है। तेरे को इससे क्या, तेरे को कौन सी मेरे से मोहब्बत है? अगर मेरे को तेरे से मोहब्बत नहीं होता तो इतनी फजरा फजरी ठंड में काय को तेरे पास आता? हाँ ज्यादा समी मारा बनने की जरूरत नहीं है, बड़ी मोहब्बत है तेरे को मेरे साथ, खाली आता है। ए जो बीरानी बोले तो अपनी जान दे दूं, और जो बीरानी बोले तो अपनी जान दे दूं। तेरी जान तेरे काम नहीं आई तो मेरे क्या काम आएगी? अरे काश तूने मेरी जान इस काबिल बनने दी होती। ए सुलेमान, ये गिला करना तो अपनी माँ से जाके कर, मेरे को तो डिब्बा पैक रिकंडीशन मिला था तू। ए जुबी, आज तो तू मेरे को कोई खुश करने वाली बात कर, मेरा प्रॉमिस है मैं तेरे से कोई सड़ी बात नहीं करूंगा, मेरा प्रॉमिस वादा। पक्का? तेरी कसम। ठीक है तू तो खाली आता है ना, मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर रखती हूँ। रुक जा जरा, क्या समझेगा, क्या हातम ताई की टांग मारी है मैंने कबर पे, ये ले इस्तेमाल कर खा ले। ये क्या चॉकलेट, वो भी आधी? जाहिर है मैं चॉकलेट पे मैंने खर्चा किया तो मैं आधी भी नहीं खाऊं। खुशी के आज इस मौके पर मेरे हाथ से ये बाकी की भी आधी चॉकलेट बचे ली ना, ये भी खा ले। ए ले, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है। टू ये मिंजा मोला अपनी आधी खिलाते खिलाते मेरी पूरी ले गया चॉकलेट, मैं मुंह खोलती रह गई। मनुष्य कहीं का बेगम आ जाओ, पहले से तैयार नहीं होगी फिर बोलेगी दस चलाते, कहीं और चलो। यार आओ यार। बसंती की आवाज क्यों बंद हो गई? बसंती कहाँ गई? बसंती, बसंती! अबे कौन ले गया? क्या जवाब दूंगा मैं जकरिया भाई को? ये निंजा मोला, इसको ऐसा छुपा दूं कि शकील भाई अगर गलती से भी अंदर आए तो ये आराम से, भाई इतने सारे गुब्बारों की सेटिंग हुई भी है, ये मेरी कुलसुम देखेगी एकदम खुश हो जाएगी। ही आ, आ, आ। बच्चा तो गई अपनी आज तो, ठीक है बस ये। ओए हे मियां, ये
शकील है शकील। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है शकील भाई, अंदर बड़ा झांक रहे हो आज आप। नहीं अंदर चल के बात करते ना। प्रॉब्लम किसका है? हम दोनों का। हाँ तो फिर हाथ दो, आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक है इधर आ जाए, इधर आ जाए। चलो भाई ये ठीक है जगह, ना ये आपका घर ना मेरा घर, बीच में खड़े अपन। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? वो जकरिया भाई बसंती गायब हो गई। ए शकील भाई, ये रामगढ़ के सोले वाली बसंती नहीं थी जो किसी के साथ डेट पे भाग गई? नहीं आप यकीन करें जकरिया भाई, मेरे घर से खड़े खड़े गायब हो गई। ये क्या खबर सुना दी शकील भाई। क्या करूं मैं तो खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ। आपकी शर्मिंदगी से मेरी कोई भी बसंती वापस नहीं आएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जो भी करना हो कर लेना, मगर मेरे से ना वो 2000 रुपए मांगना मत प्लीज। मैं तो सोच रहा हूँ पुलिस में रिपोर्ट करा दूं। ए नहीं नहीं भाई, पुलिस को बीच में क्यों डालते हो? रहने दो रहने दो, आपकी दोस्ती में अब इतना थोड़ा बहुत नुकसान तो मैं बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। लेकिन शकीलिया भाई आप टेंशन मत लो शकील भाई, घर जाओ ने आराम करो। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन पुलिस को। ए भाई घड़ी घड़ी पुलिस का नाम मत ले, मेरे को कुछ कुछ होने लगता है। जैसे आप कहें आपकी चीज है, लेकिन पुलिस को अगर मैं। ए, फिर पुलिस? ए भाई आज का दिन खराब मत कीजिए, जाए जाए घर पे जाके आराम करें। मेरी बसंती गई है, कोई बात मैं जा रहा हूँ, आज वैलेंटाइन है। ये जकरिया भाई इतने बड़े नुकसान को इतना आराम से कैसे सह गए? कोई गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। क्या बात है कलसुमड़ी, गिरकिट की तरह रंग चेंज कर लिए तू। सासुमां आज के दिन मैंने फैसला किया है कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। इसका मतलब है अपन जो भी बातें करें ठीक होएगा। आज का दिन है ही दिल की बात करने के लिए, आप कुछ अच्छा कहेंगी मेरे को अच्छा लगेगा, आप कुछ बुरा कहेंगी तो मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही ली? आप सब छोड़े ये पान खाए। ये क्या हो रहा है, मेरे को क्या पान दे रही है? खाए ना पान खाए ना, खोलो। ऐसा करो पहले थोड़ा सा तुम खा लो ना। अरे ताजुमा पहले आप खाए उसके बाद फिर मैं खा लूंगी। ये ले। ऐसा कर थोड़ा सा तू चबा ले, ज्यादा मीठा हो जाएगा तो मैं खा लूंगी। ठीक है ठीक है ओके ये खाए। या अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मैं क्या करे लू। ये मिन्या मौला कुछ जरूर इस पान में गड़बड़ लग रही है, मेरी हिफाजत करना, मैं तो मजबूर हूँ रिश्तों की वजह से। अभी तक मैं बेहोश तो हुई, क्या हो गया? ठीक हो? ठीक है ओके है ओके पान। कुलसुम आजा आजा आजा। ए आगी। हैप्पी वैलेंटाइन डे। मसाला मसाला लाल कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही है तू, लाल परी जैसी ना। वाह भाई वाह, असली परी का बहुत प्यारी लग रही है तू, बहुत प्यारी मसाला मसाला। ये देखो हमने अपने प्यार की निशानी को कैसा सजाया है। ओह माय गॉड, फुल इंग्लिश। फुल इंग्लिश तू कह रही थी ना, लाल परी में बैठ के घूमेंगे। नहीं ये देख इतना मैंने खर्चा किया, अपने पैसे लगाए हैं सिर्फ तेरे को खुश करने के लिए। जाकू जानू आई थैंक यू फॉर दिस, आई लव यू। कितनी क्यूट लग रही है। चले ना चले चले चलो चलो चलो, अभी आप इधर होल्ड करे। हाँ। मैं बाहर जाके ना इसको रखता हूँ, फिर मैं आपको प्यार से आवाज दूंगा, फिर आप आइएगा। ठीक है मैं बाहर का जरा मुआइना तो करूँ। मतला एकदम क्लियर है। आजा छो ना, आजा कम ऑन एक मिनट। जापान तापान तापान ए मिंजा बोल। ए भाई ए बसंती आराम से आराम से आराम से आराम से। एक मिनट मोहतरमा, प्लीज सिट डाउन। आपने नहीं चलानी, चलानी मैंने, बिल्कुल पीछे। कर मनमानी एक प्रेम कहानी ना होगी पुरानी, हर गली में राजा दर 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 दर। दिल की खिड़की
चले अपन रेडी है, चले हैप्पी वैलेंटाइन डे, कम ऑन। अच्छा 2000 भी ठग लिया और हमारा दिन भी खराब कर दिया, लेकिन यार इस पे तो पेट्रोल भी मैंने डलवाया। जकरिया भाई शायद मैं 2000 माफ कर देता, लेकिन अब पेट्रोल के साथ पैसे वसूल करूंगा मैं। माफ कीजिए। क्या माफ किया? सारा साल यही डायलॉग सुनता आ रहा हूँ, आज तो माफ कर दो भाई। समझाने कुछ आप इनसे मिलने आए हैं ना? आपको कैसे पता? अगर इनसे मिलने नहीं आते तो बाजू वाले पार्क में एक्सरसाइज कर रहे होते। आप किससे मिलने आए? मैं उनसे जो इधर रहता है, शूम सा आदमी जिसके पास लाल वेस्पा है। लाल वेस्पा वाले से आपको क्या काम है? आज उसे खैरात देने आया। फूल वैलेंटाइन वाले दिन उसे देने आए? एक भिखारी की तरफ से एक भिखारी को दूंगा, क्योंकि वो मुझे कभी खैरात नहीं देता। आज उसे पता चल जाएगा। ए मिंजा बोला, ये क्या हुआ? अभी घर तक तो चलो, ऐसे रुक क्यों गए आप? ए सामने शकील खड़ा है, देख नहीं रही? देख रहे भाई? ए अब तो जाना ही पड़ेगा। आ रहा हूँ। सलामुअलैकुम शकील भाई, कैसे आना हुआ? अब भाभी के सामने क्या बोलूं, बसंती लेने आया हूं मैं। हाँ ले जाए, चलो हटो हटो। बसंती ले जाए भाई, कोई बात नहीं, हम तो घूम के आ गए, अब आप भी भाभी को घुमाने ले जाए, बल्कि ना वापसी में घर भी ले आए। बल्कि बिल्कुल मैं सही कहता हूँ, वापसी में जब आप हमारे पास आओ ना तो साथ में केक वेक भी ले आना है, इन नवाजिशों की, फकत आपका तलबगार, आई मीन ताबेदार। पहले घुमा के ले आऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरा क्या भाई पूरा घुमा, आपकी अपनी बसंती है, ख्याल से ले जाओ, ख्याल से ले जाना भाई। मुझे पहचाना? ए तू कौन है भाई? ए मिंजा बोला, ए तू तो फकीर है ना, वो भी मांगने वाला। हाँ लेकिन आज बांटने आया हूँ। अच्छा क्या देने आया भाई? ए थैंक यू यार। एक मांगने वाले की तरफ से दूसरे फकीर के लिए। ए मिंजा बोला, लॉस में प्रॉफिट हो गया। मेरे लिए भी पूल, थैंक यू। मोस्ट वेलकम भाभी जान। ए मसाला है भाई, आपकी स्कूटर तो बड़ी अच्छी लग रही है, चमक रही है। जी हाँ। चलती है क्या? पकड़ना इसको। अरे वाह पकड़ तो सही। हाँ देखे 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 चढ़ के देखे। कुलसूम भेज तो सही, कैसे लगते देखो। हाँ देखे माशाल्लाह। ए वाह भाई वाह। अभी बाइक तो चेक करे ना, घर का ख्याल रखना, अभी आते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल। हम लोग जरा घूम के आते हैं भाई। बाय। सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो ना कर मनमानी। आ जाओ आ। ए मिंजा बोला, घर में वैलेंटाइन कौन मना रहा है? इतना खर्चा किसने कर दिया? ए जक्कू हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। सारे लाल लाल है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ए भाइयों आज का खुशी का दिन है, तो खुशी के दिन पे एक मैसेज तो बनता है, है कि नहीं? तो मैं तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि भाइयों
प्यार वाला दिन है, जरूरी नहीं है कि लड़कियों के साथ छोकरों के साथ पार्क में बैठ के प्यार मोहब्बत करो। ने अपने बड़ों को, ने अपने छोटों को, ने अपनी खुद की भाईड़ी को प्यार दो। और मैं ये सारी तमाम सासु माओं को ये मसाज देना चाहूंगी कि आप लोग साल में कम से कम एक दिन ना खुशी खुशी रहे। और गौर से मेरा मसाज भी सुन लो, ये इसी एपिसोड में आप प्यार देख ले, बाकी तो आप फटाकड़ी में धमाकड़ी देखेंगे। Jakaria Kulsoom ki love story.